would say it is God's grace. By God's grace मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि चौहान सर और कुकू भाई खुद उन्होंने कहा कि ये प्रमोशनल सॉन्ग करना है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट शाहिद मालिया वॉज सिंगिंग द सॉन्ग एंड वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स टिल नाउ. किस मूवी का गाना है ये? इस पिक्चर का नाम है हो गया दिल हो गया है मेरा दिल पतंगा. मूड क्या है गाने का? मूड का गाना पार्टी सॉन्ग है, डांस फुल ऑन सॉन्ग है. गाने का नाम डांस फुल ऑन है और प्रमोशनल सॉन्ग है और पूरा मस्ती दिखा रहा है. लाइक यू नो लिव टुडे, अभी आज के दिन में जियो, कल का मत सोचो, ऐसा माहौल ऐसा मूड है. वेल आई बिलीव दैट जैसा यू नो प्रोड्यूसर डिमांड करे वैसे तो मेलोडी होनी चाहिए, जो भी जॉनर हो मेलोडी होनी चाहिए. इट्स मोर देन हैप्पी बिकॉज जब उनकी पिक्चर आई थी मौसम, वो मुझे गाना बहुत पसंद आया था एंड रियली जब भी सुनती थी उनके गाने तो मेरा एक डेफिनेटली एक विश थी कि उनके साथ मैं कभी काम करूं और भगवान ने वो पूरी कर दी. यही हुई इन द सेंस आई एम बेसिकली अ लिटिल सीरियस पर्सन बट मस्ती ये हुई कि सिंस ही सेड दैट वो एक सूफी सिंगर है, उनका जॉनर डांस डिस्को नंबर नहीं है एंड तो उस दौरान उनने कहा कि इट इज़ नॉट माई जॉनर. तो आई टोल्ड हिम सर यू कैन डू इट, आई हैव फुल फेथ इन यू. देन उन्होंने जब कर लिया तो ही वॉज लाइक मोर देन हैप्पी. तो ही वॉज लाइक ही उन्होंने गाना बहुत अच्छी तरह निभाया गा के. गॉड्स ग्रेस मान गए. आप भी सिंगर हो तो जानिए क्या एक दो लाइन आप भी गुनगुना लो गाने की, आप कंपोजर भी हो तो. मैं म्यूजिक कंपोजर पहले हूँ सिंगर बाद में. सिंगर तो मैंने सुपरस्टार खुद ही गाया था क्योंकि वो मेरी खुद की फीलिंग्स थी, पर गाना ऐसे है फिलहाल थोड़ा आज मुझे फीवर है तो थोड़ा सा माफ करिएगा बट आई विल सिंग अ फ्यू लाइंस. Dance full on a night, full on a musty, full on a... ये कट कर दीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा, मैं फिर से गा रही हूँ. Dance full on a party, full on a night, full on a musty, full on night, full on a dance, full on a party, full on a musty, full on. ये टैगलाइन है गाने का एंड कैच लाइन है जो शायद माल्या जी ने बेहतर गाए हैं. अच्छा आपके फ्रेंड्स लोगों ने गाना देखा होगा, सुना होगा, क्या रिस्पांस मिला उनका, क्या कहना? रिस्पांस बाय गॉड्स ग्रेस पीपल आर लाइकिंग, ट्विटर में भी और फेसबुक में भी. तो दे आर लाइकिंग द जॉनर कि बहुत अच्छा लग रहा है उनको. सो दे आर अप्रिशिएटिंग माई वर्क अलॉट. आगे फ्यूचर में प्लानिंग यही है कि मुझे हमेशा म्यूजिक कंपोज करना है एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम ओवर एंड या दे आर फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप जो अनटाइटल है इस वक्त. तो दे आर फ्यू प्रोजेक्ट्स जो मैं करने वाली हूँ. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर म्यूजिक कंपोजर महिलाएँ बहुत ही कम है, बहुत रेयर है कहेंगे जी. तो ये आपने कैसे फिर चुना, आपने क्या हुआ, कितना कॉम्पिटिशन मानती है अपने आप को? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं. बचपन से ये ख्वाब था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ, कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूँ. म्यूज़िक डायरेक्शन में मेरा हमेशा शौक रहा. और रही बात कंपटीशन से, अगर मैं कंपटीशन करूँ ना तो मेरा कंपोजिंग से ध्यान हट के कंपटीशन में चला जाएगा जो मेरा लय ख़राब कर देगा. तो इसीलिए मुझे उसमें जाना नहीं है. मुझे लगता है कि सुकून से जिए, नो कंपटीशन, लिव फॉर योरसेल्फ. मैं कहीं पर एलिगेशन लगता है कि ये धुन चुराई हुई है, आज के जो मीट एक्टर है वो कामचोर है, इनको आता ही नहीं कुछ, तो यहाँ से चुरा के वहाँ चुरा के डालते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी बात है बट मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगी. बट आई बिलीव इन ओरिजिनलिटी, जितना ओरिजिनल हो सके ओरिजिनल काम करें, क्योंकि अंदर वाले को तो पता है ना कि आप ओरिजिनल बना रहे हो या चोरी कर रहे हो. तो आई पर्सनली बिलीव इन ओरिजिनलिटी. अच्छा एक दौर तक तो म्यूजिक डायरेक्टर को काफ़ी कठिनाई होती थी जब लाइव परफॉर्म होता था, आज तो सिस्टम चला ही गया है, तो इसे क्या अच्छा मानते हैं, क्या लगता है आपको सही अच्छा है? सब अपनी अपनी दौर में, उस समय वो ठीक था, इस समय लाइव होते हैं. आज भी ए आर रहमान सर लाइव परफॉर्म करते हैं, दे आर म्यूजिक डायरेक्टर्स वो परफॉर्मिंग लाइव. बट मैम लाइव हाँ सब में अभी इतना वो हो गया है, बेहतरीन हो गई है टेक्नोलॉजी.
कि अभी हम लोग कंप्यूटर में कर लेते हैं, बस जहाँ हम लोग अकोस्टिक ज़रूरत होती है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोग डेफिनेटली यूज़ करते हैं लाइव इंस्ट्रूमेंट्स। कभी हुआ कभी ऐसा आपके साथ में जी भी? डेफिनेटली आई यूज़ तबला, यूज़ हारमोनियम, गिटार वेरी फ्रीक्वेंटली, सो आई यूज़ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स अलॉट। इसके अलावा और प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, सुपरस्टार, पतंगा, और इसके अलावा? जी कुछ है हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप है जो अनटाइटल्ड है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ इस वक्त। जान जी को गाना कौन सा पसंद है, बेहद करीब लगता है, कौन से सिंगर, कौन से म्यूजिक पसंद है एकदम जो करीब है काफी आपके? मुझे ना पुराने गाने बहुत पसंद है, खास करके आर डी बर्मन सर के। ये जो गाना था परिचय फिल्म की, बीती ना बिताई रहना, और उस दौरान, और फिर ये वादा रहा के जो गाने थे, तू तू है वही, तो उस दौरान ये सब गाने पसंद थे। आज के भी बहुत गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो आप मानते हो कि आपके आइडियल आदि जी वर्णन है जी जी मैं डेफिनेटली मानती हूँ उस तरह कि की म्यूजिक सुनने मिलेगी आपकी आपकी फिल्मों में ऐसा लगे, क्योंकि अलग ही म्यूजिक होती थी इनका उनकी दोनों की। अलग ही होती थी, उनकी तरह कोई नहीं हो सकता, उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जब भी कंपोज करूँ उसमें मेलेडी ज़रूर हो, चाहे वो कोई भी जॉनर का हो, पर उसमें मेलेडी ज़रूर हो। थैंक यू।